कल का लेक्चर तुम लोगों में से किस किस ने लिया था? भाई उम्मीद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, इससे अच्छा तुम मैसेज में नीचे टाइप कर दो। बस तुम अकेले थे और कोई नहीं था मैंने लिया था कल यहाँ? वाला लेक्चर। अच्छा भाई, मैं बाकियों का वेट तो नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग जो हो वो सारे बड़े लोग हो, टाइम पे तो आना नहीं है। खैर, मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में बताया था कि दो फाइल्स में प्रोवाइड करूंगा, इसके अंदर आप लोगों ने कुछ अपना खुद का डेटा एंटर करना होगा, वो कहाँ से करना है कैसे करना है वो मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। देन अच्छा, अटेंडेंस भी सब लगा दो भाई, अपनी चैट बॉक्स में सब अपनी अटेंडेंस लिख दो। एंड मैंने सिमलिंग पे खैर कुछ ब्लॉक डायग्राम्स बनाना सिखाई थी कि वो ब्लॉक डायग्राम क्यों बना रहे हैं, उनका क्या फायदा है और वो कैसे बनेंगी। एक चीज मैं दोबारा बता दूं, एक चीज रिमाइंड करवा दूं कि जब भी आप लोग को कोडिंग कर रहे होते हैं, सिमलिंग की कोई भी ब्लॉक डायग्राम बना रहे होते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी सिमलिंग जो है वो मेरा कमांड व्यू से और मेरे वर्कस्पेस से कनेक्टेड है। ये इसको कमांड व्यू कहते हैं और ये बराबर में जो है इसको वर्कस्पेस कहते हैं। जो मैं सिमलिंग पे जो भी डिजाइनिंग कर रहा हूँ वो बैक एंड पे इन दोनों से कनेक्टेड है। तो मैं जो भी फाइल यहाँ पे रन करता हूँ और ये रन की हुई फाइल का जो भी डेटा मेरा वर्कस्पेस में सेव होता है वो सारा यूटिलाइज हो रहा है सिमलिंक में जाके। तो ऑब्वियसली मेरी सिमलिंक की जो ब्लॉक डायग्राम की जो फाइल है और मेरी जो कोडेड फाइल है वो दोनों को एक ही फोल्डर में होना जरूरी है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक करंट फोल्डर बनाया हुआ है, कहीं भी कोई भी एक फोल्डर बना ले और उस फोल्डर को हमेशा यहाँ पे ओपन करके रखना होगा। अब इसी में देखें, मेरी ये सिमलिंक की फाइल भी है, ये दो जो मुझे मैटलैब की कोडेड फाइल चाहिए होती है ये भी हैं। इसके अलावा भी मुझे अपनी एक एयरक्राफ्ट की डॉट आउट की जो फाइल चाहिए होगी डॉट कॉम की, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इन शॉर्ट सारी फाइल्स यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए जो भी मैं ऑपरेट करना चाहूंगा। देन सिमलिंक पे आ जाता हूँ। जो हमने लास्ट लैब में जो डिजाइन किया था वो एक FCS का ब्लॉक था और एक हमारा एनवायरनमेंट का था। एनवायरनमेंट के अंदर मैंने एक चीज छुड़वा दी थी जो कि विंड टर्बुलेंस मॉडल की थी। इसमें खैर हम सिर्फ अपनी हाइट और स्पीड की निस्बत से और ऑब्वियसली DCM डायरेक्शन कोसाइन मैट्रिक्स की निस्बत से हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारी स्पीड्स क्या आ रही हैं। इनकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, जस्ट एक तरीके का सेंसर है। खैर आज का जो टास्क है हमारा वो है एक एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ब्लॉक डिजाइन करना। उसमें क्या है ये मैं बता देता हूँ। एंड उसके अलावा एक जस्ट फ्लाइट सेंसर्स का ब्लॉक डिजाइन करना। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा होगा, इसमें जस्ट ये है कि जो जो मेरे पास वैल्यूज प्रोड्यूस हो रही हैं उनको मैं कुछ ब्लॉक्स में एंटर करके आउटपुट्स मेजर कर रहा हूँगा। नाम से ही पता चल रहा है सेंसर से, तो मैं जस्ट इनसे डेटा ले रहा हूँ, मैं कहीं पे यूटिलाइज नहीं करूंगा, जस्ट मैं इनसे डेटा लूंगा। तो पहला हम ब्लॉक देख लेते हैं एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी का। इसमें इन और आउट्स किस तरीके से हो रहे होते हैं, ये यहाँ पे वैल्यूज इन कैसे हो रही है और यहाँ से आउट कैसे हो रही है, ये भी मैं पिछली लैब में बता चुका हूँ। तो जो कोई भी पिछली लैब में प्रेजेंट नहीं था वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें से चेक कर लेना। खैर मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि ऑब्वियसली मैं डिजाइन कर रहा हूँ डॉट कॉम पर, डिजाइनिंग की है XFLR पे की है। तो XFLR पे डिजाइन करने का क्या फायदा था वो मैंने बता दिया कि XFLR से मैं अपने लॉन्गिट्यूड और लेटरल डेरिवेट्स ले रहा होता हूँ, मुझे कुछ वैल्यूज इनके पैरामीटर्स को चाहिए होते हैं वो मेरे यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे थे। डॉट कॉम का फायदा ये है कि उसमें पूरे एयरक्राफ्ट की जो भी मेरी स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स थे वो मैं उस से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, उस फाइल में से जो मैं डॉट आउट की फाइल यूज कर रहा हूँ। तो वो फाइल जो मेरी डॉट कॉम की थी वो यूज हो रही है यहाँ पे। पहला ब्लॉक है, नाम इसका देख लो, नाम से पता चल जाएगा, डिजिटल डॉट कॉम फोर्सेस एंड मोमेंट्स। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ये एक ब्लॉक पहले से आप लोगों को लाइब्रेरी में मिल जाएगा एरोस्पेस ब्लॉक सेट में। मैंने यहाँ पे इसको पिक करके लगा दिया सिम्बलिंग के अंदर, डबल क्लिक करूंगा तो ये एक इस तरीके का, ऑब्वियसली यार सबको सिम्बलिंग यूज करना आता है, इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। अब विंडो ओपन भी वैल्यूज सारी देख लो, कुछ इसी तरीके की रख देना। मैं एक्सेस जो यूज कर रहा हूँ वो बॉडी की निस्बत से कर रहा हूँ,
दोनों मैंने इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन जो है वो लीनियर यूज करनी है, मतलब कोई मैं चेंजेस नहीं रख रहा, लीनियरली रखूंगा, जो भी मेरी वैल्यूज आएंगे वो लीनियरली एक्सट्रैक्ट करेगा इसके अंदर से। देन करना कहाँ से है, कौन सा ऐसी फाइल है, कौन सा मॉड्यूल है जहाँ से मैंने ये इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे ये नाम रखा है। अब मेरे एयरक्राफ्ट का तो नाम था सारिम, देन मैंने ये कर्ली ब्रैकेट 1,1 क्यों रखा, इसकी वजह आपको पता चलेगी जब आप दोबारा मेन स्क्रीन पे कोडेड वाली स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे क्या है भाई, मैंने ये चीज बताई थी कि सबको ये सारी फाइल्स लोड करना तो जरूरी होता है। ये लॉन्गिट्यूड वाली फाइल पे मैं दूंगा जो यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे खुली हुई है, एंड ये लेटर वाली फाइल भी मैं दूंगा। इसके बाद क्या होता है, मैंने जो कहा कि डिजिटल डॉट कॉम में जो सारिम की जो फाइल आप लोग लोड कर रहे हैं, या जो भी आपके एयरक्राफ्ट का नाम है, वो एयरक्राफ्ट जो आप की फाइल जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोड कर रहे हैं, उसकी कमांड होती है ये। अब जो भी आपने अपनी वर्कस्पेस में जिस नाम से इसको ऐड करवाना हो, वो नाम यहाँ पे लिख देना, कुछ भी नाम लिख सकते हो, अपना खुद का नाम लिख दो, डजेंट मैटर, बस इस नाम से जो है ना वो इसी यहाँ वर्कस्पेस में वो फाइल आ जाएगी। देन इसका एक्सप्रेशन है डेटा डॉट कॉम इम्पोर्ट देन ब्रैकेट। अब ये वो फाइल है जो डॉट कॉम की आपकी फाइल जनरेट हुई थी डॉट आउट के नाम से, ऊपर कॉमा लगा देना, ओ सॉरी अपोस्ट्रॉफी लगा देना ऊपर, एंड कॉमा करके ट्रू। अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ ना, तो ये पूरा प्रोसेस कर देगा, सारी फाइल्स जो भी वैल्यू थी वो सब इसने रीड कर ली। यहाँ पे मैं वर्कस्पेस में आ जाता हूँ, ये मेरी आ गई फाइल सारेम के नाम से, जस्ट मैंने इसको एंटर किया। तो एंटर करने के बाद मेरे पास एक बस यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ रहा है। अब ऑब्वियसली अगर मैं वहां पे अपनी उस ब्लॉक सेट के अंदर जाके अगर मैं सिर्फ सारेम लिखूंगा, तो ये जस्ट इस वैल्यू को पुट पिक कर रहा होगा जहाँ पे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, जस्ट एक रो एक कॉलम है, 1:1 स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पिक करेगा। तो मुझे इसको भी डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं, जो भी वैल्यूज हैं, जो भी मेरे काम की थी, ऑल्टीट्यूड, मेरा मैक नंबर वगैरह वगैरह, जो भी सारी वैल्यूज थी वो सारी अब ये पिक करेगा। तो जाहिर बात है मुझे इस जगह पे जो नाम आ रहा है वो नाम रखना है, और वो नाम आ रहा है मेरा कुछ इस तरीके से, मेरे एयरक्राफ्ट का नाम देन कर्ली ब्रैकेट 1,1। तो ये वाला नाम मैंने इसलिए उठा के इस जगह पे पिक रखा था, अगर वहां पे कुछ और नाम आ रहा होता तो मैं कुछ और नाम रखूंगा, जाहिर सी बात है। अब जो भी आप लोग एयरक्राफ्ट का नाम होगा देन कर्ली ब्रैकेट 1,1, क्योंकि सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है और सिंगल टेबल है, सही है। देन मेरे इस ब्लॉक सेट के कुछ इनपुट्स भी हैं जो मैंने यहाँ पे पुट करने हैं। अब ये बेसिक लेवल पे बनाया हुआ है, जब इसको आप लोग आगे अपग्रेड करते रहोगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि फिलहाल मेरा जो है अल्फा और बीटा जो मेरे दो एंगल्स होते हैं वो मैंने अभी दोनों 0 दिए हुए। देन मेरा मैक नंबर जो है, आपको याद होगा पिछले मेरे एनवायरनमेंट के ब्लॉक सेट में एक ब्लॉक से मेरे पास मैक नंबर प्रोड्यूस हो रहा था, तो वही मैक नंबर मैंने पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। देन हाइट रेफरेंस मेरे एक FCS के ब्लॉक में से प्रोड्यूस हो रही थी, वो मैंने यहाँ रख दी है। एंड देन लास्ट मेरा प्रेशर जो है वो भी मेरे एनवायरनमेंट के ब्लॉक से प्रोड्यूस हो रहा था। मैं दिखा देता हूँ एक दफा, ये मेरा मैक नंबर है जो प्रोड्यूस हो रहा है, मैं मैक नंबर उठा के मैंने वहां रख दिया अपने डिजिटल डॉट कॉम के ब्लॉक सेट में एंटर कर दिया, और ये मेरा प्रेशर। दैट हाइट रेफरेंस तो मेरे FCS के ब्लॉक से आ रही थी, ये वाली, सही, इस हाइट रेफरेंस को मैंने वहां पे ले जाके ड्रॉप करवा दिया। तो इन शॉर्ट मेरे पास कुछ डेटा जो है वो दूसरे ब्लॉक सेट से प्रोड्यूस होके आ रहा है। अल्फा और बीटा भी कुछ इसी तरीके से आता है, वो कैसे आएगा जब आप ये पूरा चारों ब्लॉक सेट एक साथ डिजाइन कर लेंगे, तब मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अल्फा बीटा को मैंने कहाँ से रिप्लेस करना है। तो इनिशियली हम कुछ वैल्यूज को अपनी तरफ से अज्यूम करके डाल रहे होते हैं, मगर जब बाद में वो वैल्यूज प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं तब हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। देन मेरे पास एक स्पीड ऑफ द बॉडी है। अच्छा, इसका मसला ये है कि मेरे पास स्पीड, आप लोगों को याद होगा पिछले मैंने एक बताया था कि UVW जो है वो FCS के ब्लॉक में स्टेट स्पेस से प्रोड्यूस हो रही थी, मगर यहाँ पे मसला ये है कि इसे 1/3 के मैट्रिक्स में तो चाहिए होती है, मगर ये पिक करता है जस्ट एक वैल्यू को, जस्ट एक्स एक्सिस की वैल्यू को। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे अपनी यू की वैल्यू दे रहा हूँ, जो कि मैंने पहले भी अज्यूम की थी 35 इन द FCS ब्लॉक सेट। तो बस मैंने वही सेम एग्जैक्टली यहाँ पे बना दिया, जस्ट मैं एक वैल्यू उसको एंटर कर रहा हूँ, एंड देन इट विल प्रोसेस विद द
डेटा ऑफ माय जो मैंने पिछले एयरक्राफ्ट जो बनाया डेटकॉम पे उसके साथ इसको इंटरपोलेट करेगा एंड देन मुझे कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो यहाँ पे अब ये होगा। अब अगला मेरा ब्लॉक जो होगा वो 6 DOF पे है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअली काम कर रहा होता है यूलर एंगल की निस्बत से। ये क्या कर रहा है कि मेरी जो मेरा एयरक्राफ्ट है ना वो उसको एक फिक्स्ड मास की सूरत में अज्यूम करता है विद फिक्स्ड एयर फ्रेम और उसको रिलेट कर रहा होता है मेरे अर्थ के फ्रेम से। मतलब इन शॉर्ट दो आपके फ्रेम्स हैं, एक में आपकी इसने एयरक्राफ्ट को फिक्स बॉडी मास अज्यूम कर लिया और इसको वो रिलेट करेगा, जो भी वैल्यू उसके पास प्रोड्यूस होंगी वो उसको रिलेट कर रहा होगा अपने अर्थ के मास से, सॉरी अर्थ के फ्रेम से। तो इसका इनपुट और आउटपुट तो सेम ही है, जो मेरे डिजिटल डॉटकॉम का जो आउटपुट था वो इसका इनपुट है। तो मुझे इसमें कुछ छेड़खानी की जरूरत नहीं है। कुछ आउटपुट्स प्रोड्यूस करेगा ये, वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ये अर्थ फ्रेम की निस्बत से। कहाँ पे यूज होंगे वो मैं खैर बताऊंगा। देन पोजीशंस प्रोड्यूस कर रहा है एक्सी, जो हमने वहां पे भी कुछ अपने लास्ट लैब में कैलकुलेट की थी दूसरे ब्लॉक सेट में। देन तीन आपके रेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस आप डिजिटल डेट कॉम वाली फाइल की निस्बत से। देन आपके पास एक डायरेक्शन कोसाइन मैट्रिक्स बन रहा है। अच्छा, ये जो डायरेक्शन कोसाइन मैट्रिक्स है ये क्या है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक तरीके से कि जो अर्थ एक्सिस की जो आपकी फ्रेम था ना उसकी जो भी वैल्यूज थी वो इनको उन कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। तो आपके पास जो भी अर्थ फ्रेम की निस्बत से जो वैल्यूज प्रोड्यूस हो रही होंगी इनको एक्चुअली कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है एक 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। देन आपके पास जो है वो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो थी वो अर्थ फ्रेम की निस्बत से थी या आपकी बॉडी फ्रेम के हिसाब से। देन कुछ एंगुलर रेट्स हैं आपके बॉडी के फ्रेम रेट के हिसाब से। देन ये दो एक्सेलरेशन हैं, एक मैंने सिर्फ नाम लिया ना इसका, ये चला रही थी उसका मतलब। नहीं चला रही का मकसद नहीं है चला। भाई अपना माइक एहतियातन बंद ही रखो। अच्छा, ये दो जो है वो आपका एक ABB है और ABE है। ये ABE जो है वो आपका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी फिक्स मास है और ये एक्सेलरेशन आपका अर्थ के फ्रेम रेट के हिसाब से, मतलब इनिशियल फ्रेम रेट के हिसाब से। तो यहाँ से कुछ वैल्यूज आप एंटर कर रहे हैं आपकी डेटकॉम की फाइल से होते हुए एंगुलर एंगल्स पे होते हुए कुछ आउटपुट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप लोगों को एनवायरमेंट के ब्लॉक में याद होगा कि मैंने एक जो ये टर्बुलेंस मॉड्यूल जो बनाया था, इस टर्बुलेंस मॉड्यूल को मैंने स्किप करवा दिया था क्योंकि मुझे इसमें DCM की कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड थी मेरी अर्थ फ्रेम रेट की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है 3x3 मैट्रिक्स, मुझे वो यहाँ पे रिक्वायर्ड था। अब ये जाहिर सी बात है प्रोड्यूस हुआ मेरे एरोडायनामिक ब्लॉक के अंदर से, वो मैंने वहां से पिक किया है, वो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप करवा दिया। देन मैंने वर्टिकल स्पीड जो है वो मैंने पहले से एज्यूम की हुई थी 35, यहीं पे डायरेक्ट पिक ड्रॉप करवा दी। एंड हाइट रेफरेंस जो मेरा आ रहा था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप करवा दिया और इसको होते हुए ये मुझे दो स्पीड्स जस्ट ऐसे ही एज अ सेंसर ही है ये, मुझे ये दो स्पीड यहाँ पे शो करवाएगा कि आपकी विंड स्पीड क्या है और एंगुलर स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू दीज वैल्यूज जो मुझे एक्वायर हो रही हैं मेरी डिजाइन ब्लॉक्स के थ्रू। देन इन द एंड है आपका एक फ्लैट सेंसर का एरिया। इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, जस्ट आपने दो तीन ब्लॉक्स लगाए हैं। एक IMU का ब्लॉक है हमारा 3 एक्सिस का। अच्छा, इसमें जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो पहले से प्री डिफाइंड है जो हमें दूसरे ब्लॉक से हासिल हो रही है। एक आपका वही है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, देन आपकी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल इनिशियल एक्सिस और CG आ रहा है, एंगुलर स्पीड आ रही है और ग्रेविटी आ रही है। अच्छा, ये CG जो है, CG आप लोगों को याद होगा कि हमारे XFLR पे हमें 3 CGs मिल रही थी, मगर इन 3 CGs में से हम जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की पुट कर रहे हैं। बाहर आके देख लें, यहाँ पे मैंने 1/3 का एक्सिस तो बनाया हुआ, 1/3 का मैट्रिक्स तो बनाया हुआ, मगर इसके अंदर जस्ट मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो आपके XFLR पे शो हो रही होगी। एक्स की पुट करना और वाई और जेड की जीरो ही रहना देना, क्योंकि वो कैलिब्रेट नहीं कर पाएगा अगर वो तीनों एक साथ दे दोगे तो। देन आपको जस्ट यहाँ पे आपका एंगुलर स्पीड और एक्सेलरेशन जो मेजर्ड होनी चाहिए, जो विद
विद रिस्पेक्ट टू उस एयरक्राफ्ट की होनी चाहिए वो यहाँ पे शो हो रही होगी। देन आपके पास एक जस्ट प्रेशर ऑल्टीट्यूड है, मतलब ऑल्टीट्यूड उस मखसूस ऑल्टीट्यूड पे आपको क्या प्रेशर है, तो ये एग्जैक्टली वही होता है जो प्रेशर होगा सेम वही आ रहा को क्योंकि हम फिलहाल सबसोनिक पर हैं। देन आपका एक ट्रू एयर स्पीड है, ट्रू एयर स्पीड आप लोगों को वही है एयर स्पीड जो पहले से आप लोग यूज कर रहे थे 35, वही सेम पुट कर देनी है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपको एनवायरमेंट के ब्लॉक से मिल रहा था, एंड देन प्रेशर भी सेम आपको वही एनवायरमेंट के ब्लॉक से मिल रहा था। अच्छा, अब लास्ट लैब में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आप लोगों ने अपने पीआईडी को कैलिब्रेट करना लाजमी है। अब मैंने इससे थोड़ी देर पहले खैर उसको रन करके चेक किया था और मैंने इसे सेव नहीं किया, तो आई होप कि वो सेम वैसा ही आ रहा हो जैसा मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको रन करते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा नॉर्मल पे ही रन होगा, मैं किसी और एक्सटर्नल हार्डवेयर पे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको नॉर्मल पे रहने देना। और यहाँ पे आप लोगों का 10 सेकंड्स लिखा हुआ होता है तो इसे इनफाइनाइट कर दें ताकि ये कंटिन्यूसली चलता रहे। फिलहाल इसे रन कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, अब देखें मैंने रन तो कर दिया, मगर मैंने इससे पहले अपने जो मेरा क्या कहते हैं वर्क स्पेस थी वहां पे कोई ना कोई मेरी वैल्यू की अभी गड़बड़ आई है। ये वाली गड़बड़ हर किसी के पास आएगी, कुछ पैरामीटर की वैल्यू की गड़बड़ है वो मैं बता देता हूँ कि ये क्या होती है और क्यों आ रही है। मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यूज तो सारी ऑक्यूपाई करवा ली है मेरे एयरक्राफ्ट की, मगर इसमें एक चीज देखें कि आपके कॉर्ड की और स्पैन की वैल्यू नहीं आई है विंग की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं हर दफा इस फाइल को लोड करके इसको डबल क्लिक करूं और जो भी मेरी कॉर्ड की वैल्यू थी वो मैं यहाँ पर पुट कर दूं, एक दफा पुट करूंगा तो वो सेव हो जाएगी। इसी तरीके से स्पैन में भी चले जाऊं, यहाँ पे लाके अपनी वैल्यू एंटर कर दूं, वैल्यू एंटर करूंगा तो सेव हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि मैं जो है कमांड लिख दूं, कमांड मैंने खैर यहाँ पे पहले से लिखी हुई है अपनी कुछ, एक सेकेंड, हाँ, या तो मैं अपनी ये कमांड लिख दूं, सिंपल सी कमांड है ये लिखूंगा तो मेरी जो भी मेरी कॉर्ड की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जाके वर्कस्पेस में सेव हो जाएगी, एंड इसी तरीके से स्पैन की भी हो जाएगी। इसके अलावा एक तरीका मैं ये करता हूँ कि मैंने एक अलग से .m की फाइल बना ली है, मैं एक ही दफा में उसको रन करता हूँ तो मुझे इन सारी फाइल्स को इंडिविजुअली रन नहीं करना पड़ेगा और मुझे इन वैल्यूज को इंडिविजुअली जाके ऐड नहीं करवाना पड़ेगा। मैं एक ही जस्ट फाइल को रन करता हूँ तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली मेरे वर्कस्पेस में जाके सेव हो जाती है, जस्ट लाइक मैंने अभी क्लियर करवा दिया सब कुछ। मैं जस्ट यहाँ पे आके अपना इस फाइल का जो भी नाम था ना, ये मेरे स्टार्ट सिम मैंने एक नाम रखा हुआ है, मैं इस फाइल को आके रन कर देता हूँ। अब मैंने रन किया तो मेरे लेटरल की सारी फाइल्स लोड हो गई, लॉन्गिट्यूड की भी हो गई, सारी जो मैंने अपने एयरक्राफ्ट का नाम रखा हुआ था उसकी फाइल्स भी लोड हो गई, और जो अंदर मेरी वैल्यूज जो मिसिंग थी वो भी आप लोग देख लें, मेरी यहाँ पे सी बार की भी वैल्यू आ चुकी है और स्पैन की वैल्यू आ चुकी है जो मैंने एग्जैक्टली पुट करनी थी। अब मैं इंशाल्लाह इसको रन करूंगा तो इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। सही, अभी प्रॉपर रन हो चुका, मगर इसमें आप लोग एक चीज देखेंगे, मैंने यहाँ पे अपनी हाइट इसके अंदर एंटर की हुई है जो कि मेरे ऑटोनॉमस पे स्विच होने पे 50 होने पर एग्जैक्टली दोबारा 50 पे से नॉर्मलाइज होना हो जाना चाहिए था, मगर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये बहुत स्लो टाइम मेरा चल रहा है, मेरा रियल टाइम के हिसाब से ये टाइम बहुत स्लो है, और इसके अलावा मेरी जो हाइट है वो बहुत ही स्लो अपवर्ड आ रही है, इसको एग्जैक्टली एक ही लेवल पर आके स्टेबल हो जाना चाहिए था। इसके अलावा मेरा प्रेशर भी गलत आ रहा है, टेम्परेचर एक हद तक नॉर्मल है, ग्रेविटी सही आ रही है और काफी हद तक चीजें मेरी गलत आ रही हैं। अब इसकी वजह क्या है कि ये सारी वैल्यूज मतलब जिन ब्लॉक्स के थ्रू मैं जिन वैल्यूज को गुजार रहा हूँ वो बेसिकली आ तो FCS से रही थी, मतलब मेरे सबसे पहले बनाए हुए ब्लॉक से आ रही थी, और इसमें से जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी क्लोज लूप में है और क्लोज लूप में होने के साथ साथ वो PID से स्टेबलाइज हो रही है। तो अब इन शॉर्ट अगर मेरी कोई भी वैल्यू में कहीं पे भी कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ प्रोड्यूस हो रही है इस वजह से क्योंकि मेरा PID स्टेबलाइज नहीं है। PID स्टेबलाइज करने का मैंने लास्ट टाइम तरीका बताया था कि मैं इसे जो भी मेरा कंट्रोलर है इसे मैं ऑन करता हूँ, ट्यून पे क्लिक करूंगा और ये मुझे एक मेरी नई विंडो खोल के दे देगा जिसमें एक्चुअली दो तरीके के ग्राफ्स शो हो रहे होते हैं। एक वो होता है जो
बिना ट्यून हुआ हुआ है और एक वो होता है जो ट्यूनिंग के साथ मुझे दिखाएगा। तो मेरा जो ये डॉटेड लाइन जो है, ये देख लो कि ये डॉटेड लाइन वो है जो मेरे ब्लॉक का रिस्पांस था, और अगर मैं इसे अब ट्यून कर देता हूँ, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही सेव करवा देता हूँ, तो ये मेरा रिस्पांस होगा जो ट्यून्ड है। हल्की सी पीक आ रही है मगर फिर भी ये स्टेबलाइज हो रहा है ऑलमोस्ट मेरे 20 सेकंड पे आने के बाद। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए कि मैं अपने एयरक्राफ्ट को अगर ड्यूरिंग फ्लाइट ऑटोनोमस पे स्विच करता भी हूँ तो वो 20 सेकंड के बाद वो हाइट गेन करेगा जो मुझे चाहिए और स्टेबलाइज होने में भी काफी टाइम लगाएगा। सही है, अगर मैं देखो सपोज ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने एक मखसूस हाइट पे ले जाके उसको स्विच करना है, मैंने ये अज्यूम किया हुआ था कि मैं 50 अल्टीट्यूड पे जाने के बाद उसको स्विच करूँ और वो उसी 50 अल्टीट्यूड पे अपने आप को स्टेबलाइज कर ले, ज्यादा फ्लक्चुएट भी ना करे। चलो अगर ये है कि 48 पे ले जाके मैंने 50 पे स्टेबलाइज कराना, तो वो तो हल्का सा जर्क करेगा, उसका कोई बिग इशू हमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मगर अगर वो 20 सेकंड के बाद 48 से 50 पे जाते हैं और वो फ्लक्चुएट होता रहता है अपनी जगह पे, मतलब उसका एलिवेटर जो है वो कंटिन्यूसली अप डाउन हो जा रहा है, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो मेरा पीक आ रही है ये बहुत जल्द स्टेबलाइज हो जाए। तो जस्ट हमारे पास ये फास्टर और स्लोअर का ऑप्शन है, आपने इसके थ्रू अपने पीआईडी को स्टेबल करना है। अभी भी देख लो, एक मेरे जस्ट इसको रिस्पांस टाइम को फास्ट करने पे ये स्टेबल तो हुआ है, मगर इससे जस्ट अभी भी 2 सेकंड लग रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके चेक कर सकते हैं। अब मैंने ये जो किया इसमें खैर कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई कि ये बहुत ही जल्दी स्टेबल हो रहा है, कुछ ज्यादा ही इसका रनिंग टाइम होगा। अब इससे अफेक्ट होगा मेरे पूरे प्रोग्राम के रन टाइम पर, तो मैं इस तरीके का कोई भी रिस्पांस नहीं चाहूंगा जो या तो बहुत जल्दी स्टेबल हो रहा हो या बहुत देर से हो रहा हो। मैं अपने ट्रांजिएंट बिहेवियर को भी थोड़ा चेंज कर सकता हूं। सर वो जल्दी स्टेबल होने का आपने क्या नुकसान बताया, जल्दी स्टेबल क्यों नहीं होना चाहिए? भाई अगर बहुत ज्यादा जल्दी स्टेबल हो जाएगा ना, तो देखो मेरा एक रियल टाइम होता है कि मेरे 1 सेकंड में मेरा जो सिमुलेशन है वो भी 1 सेकंड ही चली हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इसको रियल टाइम पे चलाना चाह रहा हूँ तो मेरा सिमुलेशन का और मेरा एक्चुअल टाइम तो सेम होना चाहिए। अगर ये बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा तो मेरा जो नीचे सिमुलेशन का टाइम है वो बहुत ही मतलब मेरे 1 सेकंड हुआ होगा और वहां पे 100 सेकंड चल चुके होंगे। तो एक पीआईडी भी अगर प्रॉपर तरीके से स्टेबल ट्यून नहीं है तो वो मेरे पूरे सिस्टम के सिमुलेशन टाइम को छेड़ देगा, और अगर ये बहुत देर से स्टेबल हो रहा है तब भी मेरे पूरे सिस्टम का सिमुलेशन टाइम छिड़ जाएगा, क्योंकि वो 10^-negative में चले जाएगा, तो बहुत मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। अगर मेरा फिलहाल का टाइम 5 सेकंड हुआ है तो मेरे सिमुलेशन का टाइम 0.05 सेकंड चला होगा, कुछ इस तरीके से असम्पशन लगा रहा हूँ, मगर ज्यादा तेज और ज्यादा स्लो चलने का ये नुकसान है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरे एक्चुअल टाइम के हिसाब से बिल्कुल स्लो एग्जैक्टली मैच होकर चल रहा हूँ। खैर यहाँ से आप लोग अपने सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हैं, अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 सेकंड पे स्टेबल हो रहा है, ये और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। आप लोगों ने जैसे अपना ट्रांजिएंट बिहेवियर और रिस्पांस टाइम को सेट करना होगा, देन मैं यहाँ पे अपने अपडेट ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी सिस्टम था वो यहाँ पे आगे अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये 1 सेकंड पे आगे स्टेबल हो रहा है। सर रिस्पांस टाइम हमें यही रखना होगा जो आपने रखा ट्रांजिएंट भी? 1 सेकंड दोबारा विंडो खोल रहा हूँ फिर बता। जहां पे जिस पोजीशन पे आपका जो ये सिस्टम है वो जिस हिसाब से जहां पे बहुत ही परफेक्टली स्टेबल हो रहा है वहां पे अपना अपना रिस्पांस टाइम छोड़ देना है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस पॉइंट पे स्टेबल हो रहा हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि जहां मैंने रखा है वहां पे प्रॉपर अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा हो पीआईडी का, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल एंड फास्टर पे ले जाके उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जहां रखा हुआ है वहां हो मगर जो आपका ट्रांजिएंट बिहेवियर है वो फुल रोबस्ट पे आगे स्टेबल हो रहा हो। तो अब ये मेरा यहाँ पे स्टेबल हो गया, जरूरी नहीं कि आप लोगों का भी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी वैल्यूज अलग हैं, आपकी वैल्यूज अलग होंगी, आपका मेरे जो सिस्टम की मेरे एक्सएफएलआर की मेरी जो फाइल्स थी उनके डेरिवेट्स थे वो अलग थे, जाहिर आप लोगों का एयरक्राफ्ट अलग है डिजाइन अलग है तो उनके जो डेरिवेट्स लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड के प्रोड्यूस हुए थे वो अलग होंगे, तो आपका सिस्टम अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, मेरा सिस्टम अलग तरीके से कर रहा है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग हो सकती हैं।
सही है। अब जब मैंने ऐसे रन किया तो देख लो एक सेकंड में ये अपनी पोजीशन पे आ गया, जो भी इसको 50 थी। अब खैर ये थोड़ा बहुत तो अप डाउन है क्योंकि मेरा जो पीआईडी था वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस में चल रहा था, तो ये जो है वो 0.01.0 की डिफ्लेक्शन आती रहेगी। अगर मैं इसे बहुत बेहतर बिल्कुल स्टेबलाइज कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली स्टेबलाइज रहेगा, मगर अभी तक मैंने सिर्फ एक अपनी हाइट की मतलब अपने ऑल्टीट्यूड के पीआईडी को छेड़ा था, तो मेरा टाइम काफी हद तक बेहतर हुआ है। मैंने अभी अपने दो अलग जो मेरे दूसरे पीआईडी थे मैंने उनको स्टेबलाइज नहीं किया, क्योंकि मैंने भी खैर काफी हद तक पहले ये अपनी फाइल यूज की थी तो इसमें जो पीआईडीज हैं वो स्टेबलाइज नहीं है, तो अगर मैं इनको भी स्टेबलाइज करूं तो मेरा जो टाइम है वो एग्जैक्टली रियल टाइम पे चलने लगेगा। अभी मेरे ख्याल में कुछ इंटू 4 या इंटू 5 टाइम तक का फर्क है, मतलब मेरे एक्चुअल टाइम में और सिमुलेशन के टाइम में थोड़ा बहुत फर्क है, मगर मेजर फर्क नहीं है। जो मेरी वैल्यूज है वो काफी हद तक प्रॉपर आ रही है। हाँ, अगर मैं बाकी दो पीआईडीज को भी स्टेबल करूँ तो मेरा जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली रियल टाइम पे चलेगा। तो आप लोगों ने जस्ट इससे इस तरीके का सर्किट डिजाइन करके सिमुलेशन डिजाइन करके अपनी वैल्यूज को आप लोगों ने चेक करना है। वैल्यूज किस तरीके से वेरीफाई होंगी वो ऑब्वियसली आप लोगों के नेक्स्ट लैब का टास्क है, उस में हम सारी वैल्यूज को वेरीफाई करेंगे कि जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं वो प्रॉपर आ रही हैं या नहीं, एंड देन हम अपने इस पूरे सिस्टम को फ्लैट ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे। सही है, इस लैब की हद तक अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई ऐसी चीज जो इस लैब में फिलहाल नहीं समझ में आई हो? कोई प्रेजेंट भी है या सिर्फ माइक बंद करके सारे गायब हो चुके हैं? यस सर। तो कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई? सर ये जो सारा काम आपने किया है ये हमने सिर्फ अपने टास्क के लिए करना है, इसमें कोई एडिशनल टास्क तो नहीं है जो हमने? नहीं, जो मैंने चीजें यहाँ पे सिखाई हैं जस्ट वही चीजें आप लोगों ने रिपीट करनी है। बस जो पैरामीटर्स हैं वो ऑब्वियसली आपके अपने एयरक्राफ्ट के होंगे, क्योंकि आपने जो डिजाइन किया है हम वही एयरक्राफ्ट को क्या कहते हैं फ्लाइट गियर पे सिमुलेट करेंगे। मैंने अपना एयरक्राफ्ट सिमुलेट किया था, आप लोगों ने अपने जो भी एयरक्राफ्ट बनाए हैं हम उन्हीं पैरामीटर्स को लेते हुए आप ही के एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स को लेते हुए उसी एयरक्राफ्ट को फ्लाइट गियर पे सिमुलेट करेंगे, तो इसमें कोई एडिशनल चीजें नहीं है, जस्ट जो चीजें मैंने बनाई हैं वही बनानी है। हाँ, इसके अलावा जो चीजें मैं बाद में ऐड कर पाऊंगा तो वो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या ऐड करवाया है, क्यों ऐड करवाया और उन एडिशंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इशू? क्योंकि टाइम भी एंड होने वाला है तो आई थिंक कि मैं सेकंड सेशन ना लगाऊं, तो अगर कोई इशू है तो अभी पूछ लो तो मैं इसी के साथ ही लेक्चर भी एंड करूं। नो सर। और कोई है यहाँ पे जिसको कोई इशू हो? सर ये जो रिकॉर्डिंग है आपकी आवाज कट रही है। रिकॉर्डिंग मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग LMS से रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। स्टार्टिंग का पिछला लेक्चर भी आप लोगों ने सुनना, काफी हद तक बच्चे कल की और पिछली क्लास में नहीं थे तो वो सब इंटरकनेक्टेड है। कुछ चीजें मैंने अच्छी खासी चीजें पिछली लैब में बताई है, उसके बाद मैंने अभी कंटिन्यू किया इसलिए मैं डिटेल में नहीं किया, जिसमें आप लोगों को ब्लॉक्स की खासियत बता रहा था और ब्लॉक्स किस लिए यूज हो रहे हैं वो बता रहा था, कैसे यूज हो रहे हैं वो मैं पिछली लैब में काफी हद तक बता चुका हूँ। सही है, देन अगर इसके अलावा इस डिजाइनिंग के साथ साथ अगर कोई इशू आए तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ऐसे ही बस हवा में तीर मारते हुए कांटेक्ट नहीं करना। ये काफी हद तक डिजाइन हुआ हुआ और डिजाइन होने के साथ जो इशू आया हो तो मुझे उस डिजाइन के साथ वो डिजाइन दिखाते हुए वो इशू बताइएगा ताकि मैं बता सकूँ वो कहाँ रिजॉल्व करना। बस ऐसे ही नहीं पूछ लेगा फला चीज में फला मसला आ रहा था, मुझे प्रॉपर प्रूफ के साथ बताएं कि एटलीस्ट आप लोगों ने बनाया है और उसके बाद कोई इशू आया तो मुझे पूछ रहे हो। तो काम कर लो क्योंकि ये 9th लैब हो चुकी है, अगली लैब जो है वो 10th है जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे फ्लैट गियर के साथ, और आई होप कि आप लोगों का पूरा एयरक्राफ्ट भी डिजाइन हुआ हुआ हो और डेटकॉम पे भी कर लिया हो, दोनों पे कर लिया हो XFL और डेटकॉम पे, क्योंकि आप सब कुछ इंटरकनेक्टेड चल रहा है, हम 2nd लैब से लेके 11th लैब तक सब इंटरकनेक्टेड है।
एक लैब नहीं करोगे तो आने वाली लैब नहीं कर पाओगे, तो सारी पिछली लैब भी करते रहो कंटिन्यूसली। और मेरे ख्याल में मैं वेडनेसडे या फिर सैटरडे ही क्लास ले सकूंगा, तो तब तक अपना सारा काम प्रॉपर फ्लो में ले आओ ताकि जब मैं अगली चीज बताऊं तो आप लोगों को पता हो कैसे हो रही है। ओके सर। सही है, मैं फिर लेक्चर यहीं एंड करता हूं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।